एडजेसेंट एंगल्स जो साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने एक एंगल ये बनाया और दूसरा एंगल इसी रे को बेस लेकर मैंने दूसरा एंगल बना दिया, यानी ये वाली जो कॉमन रे है ये इस एंगल के साथ भी जुड़ रही है और ये वाली रे इस एंगल के साथ भी जुड़ रही है। तो एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया। तो एंगल वन एंड एंगल टू आई कॉल देम एज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म होती है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉमन आर्म है। दूसरा वर्टेक्स भी कॉमन है यहाँ पर। और तीसरा इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, भाई एक तो कॉमन आर्म हो गई, अब ये भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। देखो ये वाली राइट साइड जा रही है तो ये वाली लेफ्ट साइड जा रही है, तो ये हमेशा अपोजिट साइड्स पे लाए करेंगी। दीज आर दी थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। स्ट्रेट पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें आप ऐसे कह सकते हो, इस सबसे ईजी होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और बीच में आप कोई भी आर्म ले लो। तो बेसिकली यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एक केबल एंगल है और एक केबल एंगल है। जब भी दो एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब एंगल वन और एंगल टू मिलकर ऐड होकर आपस में 180 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो हम एंगल वन और एंगल टू को बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दिस मीन्स एंगल वन एंड एंगल टू आर लीनियर पेयर। सपोज अगर ये 70 डिग्रीज होगा तो ये 110 डिग्रीज होगा, तभी इन दोनों का टोटल 180 होगा, तो ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर हो जाएंगे। जब दो एंगल्स मिलके टोटल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का टोटल होता है जब दो एंगल्स का, जैसे ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, तो अगर एंगल वन और एंगल टू का सम 90 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज एंगल वन मेरा 60 है तो ये मेरा 30 डिग्रीज होगा, तभी इन दोनों का टोटल मेरा 90 आएगा, तो आई विल कॉल एंगल वन एंड एंगल टू एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मिलकर 180 डिग्री का टोटल करते हैं, सपोज ऐसे हैं दो एंगल्स, सपोज ये है 120 डिग्रीज और ये है 60 डिग्रीज, तो वी कैन चेक दैट 120 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज कितना हो गया 180 डिग्रीज। तो अब मैं देख सकती हूँ कि ये दोनों एंगल्स का टोटल 180 है, तो आई कैन से दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल क्यों में से आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और दूसरी स्ट्रेट लाइन को इस तरह से आप काट दो। अब इस केस में आपको दिख रहा है यहाँ पे फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो नेम से काफी क्लियर हो जाता है, अपोजिट जो बिल्कुल अपने आमने सामने पड़े, तो हम देख सकते हैं एंगल वन के अपोजिट एंगल थ्री है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल थ्री और टू के सामने कौन सा पड़ रहा है एंगल फोर, मीन्स एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। और आई कैन से that angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles and angle 1 and angle 3 are vertically opposite angles. और vertically opposite angles हमेशा equal होंगे। Straight lines जब intersect होती हैं एक common vertex पे, हम vertex को हमेशा alphabet से indicate करते हैं, कोई भी alphabet हो सकता है, A to Z, it can be any alphabet. तो जब भी दो straight lines आपस में intersect होंगी तो they'll form vertically opposite angles which will always be equal. यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन बनाई, यहाँ पर भी सिंगल कर्व लाइन बनाई, इसका मतलब होता है ये वाला एंगल इसके इक्वल है। यहाँ पर मैं दो कर्व लाइंस बना रही हूँ तो यहाँ पर भी मैंने दो कर्व लाइंस बनाई, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये कैसे, जैसे मैंने एक ही एंगल ड्रॉ किया, तो अब इस एंगल को मैं नेम कैसे करूँगी, हाउ टू नेम एन एंगल। तो उस केस में हम यहाँ पर तीन पॉइंट्स बनते हैं, फर्स्ट वन इज वर्टेक्स, यहाँ पर हम रे को भी एक पॉइंट देंगे और यहाँ पर इस रे को भी एक पॉइंट देंगे। अब हम इन पॉइंट्स को अल्फाबेटिकली इंडिकेट करेंगे, जैसे मैंने इसको नेम कर दिया ओ, इसको कर दिया ए और इसको कर दिया बी। अब मैं इसको लिखूंगी जैसे हाउ टू राइट इन एंगल, तो एंगल का सिंबल होता है ये, डिग्री का सिंबल होता है ये, एंगल का सिंबल होता है ये। दिस इंडिकेट्स एन एंगल, कि हम एंगल की बात कर रहे हैं। अब नाम कैसे लिखते हैं, ये जो वर्टेक्स का अल्फाबेट होता है ये हमेशा मिडल अल्फाबेट बनेगा, और एक अल्फाबेट ये होगा, दूसरा अल्फाबेट ये होगा,
तो इसको मैं ए ओ बी भी लिख सकती हूँ या इसको मैं बी ओ ए भी लिख सकती हूँ। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो वर्टेक्स का अल्फाबेट है वो हमेशा मिडिल अल्फाबेट बनेगा, और ये दोनों आर्म्स का अल्फाबेट वाइस वर्सा किसी भी साइड पर जा सकता है। अगर मैं ए ओ बी लिख रही हूँ तो मैं इसको इस तरह से बोलूंगी, और अगर बी ओ ए लिख रही हूँ तो मैं इसको इस तरह से बोलूंगी, बी ओ ए।